Yo, I never fuck Wayne, I never fuck Drake. So guys, तो अभी आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जिस टाइप का वीडियो देखा, इस टाइप का वीडियो अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर ट्रेंड पर चल रहा है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इससे पहले, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको अपना BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास BN एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है प्लस का आइकन, तो आपको उस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ब्लू टिक का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से आपका वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का, तो आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर इसे आप सबसे पहले म्यूट कर लीजिएगा। फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में आना होगा कुछ इस तरफ, और इस जगह पर आपको इस एप्लीकेशन का आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाटरमार्क वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरफ आना होगा वीडियो का, और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस जगह से गाइस हमारे वीडियो पर फोटो आता कुछ इस जगह, तो सिर्फ आपको फ्रेंड्स इसी जगह पर आना है। और इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह आना होगा, एक आपको ऑप्शन मिला कैंची का आइकन, जो कि फ्रेंड्स स्प्लिट का ऑप्शन है, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके इसे आप कट कर लीजिएगा। एंड कट करने के बाद इसका सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है, इस तरीके से डिलीट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने 6 फोटो का आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको 6 फोटो का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना 6 फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने यहाँ पर 6 फोटो को यहाँ ऐड कर लिया। फिर गाइस, आपको ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका कोई इमेज स्क्रीन पर सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप 2 फिंगर से इस तरीके से आप जूम करके एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है। एंड आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है प्लस का आइकन, तो आपको उस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपने जो स्टार्टिंग पर जिस वीडियो को ऐड किया था उसी वीडियो को फिर से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट में आपका साउंड का ऑप्शन आता है, आपको उसके चॉइस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से गाइस, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर साउंड को सुन लेना है। एंड गाइस, आपको अपने साउंड के हिसाब से आपको अपने साउंड पर बीट मार्क ऐड करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको मेरे वीडियो को ध्यान से देखना है। सो गाइस, कुछ हमारा इस जगह से म्यूजिक पर टन टन का आवाज। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले गाइस बीट के ऊपर आना है। एंड गाइस, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, ये जो गाइस आपका रेड फ्लैग का ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर गाइस, हमारा कुछ इस जगह पर बीट है, फिर गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो आपका टिक मार्क ऐड हो जाएगा। फिर गाइस, हमारा कुछ इस जगह पर है, तो आपको ध्यान से सुन के आपको ऐड करना होगा इस तरीके से। फिर इसके बाद गाइस, हमारा कुछ इस जगह पर है, फिर आपको इस रेड फ्लैग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और कुछ हमारा गाइस इस जगह पर एक बीट, कुछ इस जगह पर, एक मिनट गाइस, इस जगह पर। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस जगह पर एक बीट, लास्ट बीट। फिर गाइस, आपको साइन पर टिक कर लेना है। तो गाइस, इसके बाद आपको फिर से साइन पर टिक कर देना है। तो आपको इसी तरीके से आपको अपने साउंड पर आपको टिक मार्क ऐड कर लेना है अपने बीट के हिसाब। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर वीडियो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको सेकंड बीट के यहाँ पर आना कुछ इस जगह पर, जिस जगह पर गाइस आपका सेकंड बीट है, इसके ऊपर आपको आ जाना है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने यहाँ पर इमेज को कट करना है। एंड इसका सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर गाइस, हमारा कुछ इस जगह पर बीट है, फिर से आपको इस जगह पर आके अपने इमेज को आपको कट करना है। एंड इसका सेकंड बीट को डिलीट कर देना है।
फिर गैस हमारा कुछ इस जगह पर है, फिर से आपको कट करना है एंड इसका सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर गैस हमारा कुछ इस जगह पर बीट है, फिर से आपको यहाँ पर कट करना है एंड इसका सेकंड पार्ट को डिलीट करना है। और इसके बाद गैस इसे मैं छोटा कर लेता हूँ अपने लेंथ को। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सभी इमेज को अपने साउंड के बीट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इनमें आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको साइन पर टिक कर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दूसरे वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपको जूम वाला ऐड करना है, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। फिर से कैसे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और जूम वाला कैसे आपको ऐड कर लेना है। फिर से कैसे आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ऐड करना है। तो आप किसी तरीके से अपने सही प्लस के आइकन पर इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है, इस तरीके से कर लीजिएगा। और कैसे आप चाहते हो तो अपने इमेज पर भी आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एफएक्स का। तो गाइस आपको एफएक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ढेर सारा आपको इफेक्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी अपने इफेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस मैं यहाँ से ऐड नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो गाइस मैं नॉन कर लेता हूँ, फिर साइन पर टिक कर लेता हूँ। तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने इफेक्ट को। तो गाइस हमारा वीडियो फाइनली बन के तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को यहाँ पर सेव कर लेना। तो गाइस आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।